नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। अभी हाल फिलहाल एक न्यूज हमारे सामने आई जहां फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में बहुत जबरदस्त डील हुई, 9.99% की इक्विटी हुई। उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप चैनल पे जाके उस वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, ये चैनल है, इस चैनल पे जाके आप अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तरह तरह की वीडियोस लगातार इस पे अपलोड होती रहती हैं। और रिलायंस के बारे में जो डील हुई उसके बारे में भी लेटेस्ट वीडियो डाला था, इसको जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्निकल लेवल को लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये मेरी अपनी स्टडी है जो आपसे शेयर कर रहा हूं, आप अपनी स्टडी करने के बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि मेरी स्टडी हो सकता है गलत हो। अगर आपको इससे भी अच्छी एनालिसिस आते हैं तो आप अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लासेस हमारी चलती रहती है। चलिए कुछ ज्ञान आपको बांट देता हूं कि मैं रिलायंस के शेयर में क्या देख रहा हूं। एक पुराना वीडियो आया था, बहुत पुराना वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी उसी एनालिसिस की चर्चा कर रहा हूं जिस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपनी गोल्डन रेशियोज के बारे में, अपनी गोल्डन मूविंग एवरेजेस के बारे में, जो मैंने एक बहुत पुराना वीडियो बनाया था। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये तीन तरह की मूविंग एवरेज में प्लॉट करता हूं अपने किसी भी चार्ट पे, जो ऑलमोस्ट फिबोनाची लेवल्स हैं दोस्तों, 5 दिन की, 8 दिन की और 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में प्लॉट करता हूं। 5, 8, 13 फिबोनाची नंबर से मैंने उस वीडियो में भी बताया था, और आप उस वीडियो को दोबारा से जाके देख सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और पता लग सके। दोस्तों, आपको सिंपल सा करना है, अगर आपको कोर्स नहीं भी किया, कहीं से एनालिसिस नहीं भी सीखा, तो आप इस वीडियो के हिसाब से अच्छी खासी ट्रेडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज, थोड़ा लंबा हो सकता है, जिनको एनालिसिस आती है स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग नए हैं, जो लोग असली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सही करेक्ट एनालिसिस चाहते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से, चलिए उस सिंपल सिटी में आपको मैं उस सिंपलिसिटी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चार्ट लिया, चार्ट पे कैंडल्स आप जो मर्जी प्लॉट कीजिए, हेगनेशी प्लॉट कीजिए, चाहे नॉर्मल कैंडल्स प्लॉट कीजिए। अभी फिलहाल मैंने आपके लिए नॉर्मल कैंडल्स लगाई हैं, आप चाहें तो डिस्प्ले में जाके हेगनेशी चूज करके हेगनेशी भी दिखा सकते हैं। हेगनेशी कैंडल्स में और नॉर्मल कैंडल्स में फर्क ये होता है कि जो मेजर दिखने वाला जो फर्क है, जो विजुअल फर्क है, कि हेगनेशी कैंडल्स कभी भी गैप आपको नहीं बता पाती है, जबकि आप नॉर्मल कैंडल्स बताते हैं तो उसमें आपको गैप पता लग जाता है। जैसे ये जो कैंडल थी, इस कैंडल से दूसरी कैंडल का जो राइज है, ये गैप राइज है, गैप अप ओपनिंग थी। अब ये न्यूज आई, ये जो कैंडल हमारी बड़ी है दोस्तों, ये है 22 तारीख की कैंडल है सुबह 9:15 की, जिसमें 1313 का हाई लगा। आप समझने की बात ये थी कि जब हमने समझने की बात ये थी कि रातों रात रिलायंस के जियो और फेसबुक के बीच में डील हुई 43,000 करोड़ के आसपास की, जिसका इंपैक्ट हुआ सुबह मार्केट में बाजार खुलते ही, शेयर 7% से ऊपर तेज खुला और 10% से भी ऊपर चला गया था, तो इसे रैली बहुत जबरदस्त दी उठा के। अब समझने वाली बात जो है दोस्तों, जिस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया तो आप जिंदगी में स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं खाएंगे। देखिए होता क्या है, कोई भी न्यूज आती है, उस न्यूज के ऊपर स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आता है। रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिस्पॉन्स नहीं आता है पहले, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में मतलब समझ लीजिए। रिस्पॉन्स का मतलब है उस चीज को समझें, उसका आकलन करें, फिर उसके बारे में कुछ कहें। एक होता है रिएक्शन की तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो रिएक्शन हमेशा खराब होते हैं, रिस्पॉन्स हमेशा ठंडा होता है, अच्छा होता है, नपातुला और समझदारी वाला बात होती है उसमें। अब बात आती है कि फेसबुक निवेश करेगा, समझिए इस बात में आपको समझ में आ जाना चाहिए, फेसबुक 9.99% की हिस्सेदारी खरीद रहा है, खरीदी नहीं है, पेपर साइन हुए हैं पूरे के पूरे 43,000 करोड़ रुपीज आज रिलायंस को नहीं मिले हैं। वो उसमें कुछ डिटेल्स होंगी, कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्शियल होगा, कि ये काम हो जाएगा तो इतना पैसा लगाएंगे, ये काम होगा तो इतना पैसा लगाएंगे, 2020 तक इतना लगाएंगे, 2023 तक इतना लगाएंगे, 2025 तक इतना लगाएंगे, मतलब जो पैसा है वो हिसाब से आएगा, काम के हिसाब से आएगा, चंक्स में आएगा। रातों रात 43,000 करोड़ रुपए रिलायंस के हाथ में नहीं आ गए हैं, ये डील है। ऑफ कोर्स रिलायंस को फायदा होगा आने वाले समय में, मतलब अगर हम 2 से 3 साल की बात करें, 4 साल की बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बहुत शानदार हो सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि, और हमेशा से रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने के हमेशा पक्ष में रहता हूँ, किसी भी भाव पे खरीदने के पक्ष में रहता हूँ, क्यों, क्योंकि रिलायंस एक बहुत वर्सेटाइल स्टॉक है। बट जो ट्रेडिंग जानते हैं, ट्रेडिंग वालों को इस ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, जो सेल ऑन राइज करना चाहते हैं, उस न्यूज का आकलन करें, देखें चार्ट पे क्या लग रहा है, आपकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है, पूरे नंबर्स को स्टडी कीजिए, फिर उसमें ट्रेड लीजिए। चलिए दोबारा से चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट हमारा हमें क्या कहता है।
चलिए अब हम चार्ट पे आगे दोस्तों, ये 5, 8 और 13 दिन की मूविंग एवरेज लगाई है जो मैंने आपको बहुत पहले, कम से कम 1.5 साल पहले भी ये वीडियो मैंने बना के दी थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था, दोबारा से उस वीडियो को बना रहा हूँ। ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी दोबारा से समझिए। यहाँ पे मैंने एक RSI भी लगाया है, RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको मैंने डिफॉल्ट 14 पीरियड का ही रखा है। MACD लगाई है, लोगों का फेवरेट है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जहां आपको लगता है कि एक फास्ट लाइन होती है, जीरो का लेवल होता है, जीरो से ऊपर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिखाई देता है, जीरो से नीचे क्रॉसओवर दिखाई देता है, ऊपर एक क्रॉसओवर क्रॉस डाउन दिखाई देता है तो बेयरिश साइन होता है, जीरो से नीचे अगर क्रॉसओवर होने की कोशिश होती है तो बुलिश साइन होता है। वॉल्यूम भी मैंने आपके के लिए लगाई दोस्तों। वॉल्यूम क्यों लगाई है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इससे पहले काम करते हैं, हम NSE की वेबसाइट पर भी चल पड़ते हैं और यहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है, क्योंकि रिलायंस में होने वाली जो वॉल्यूम है वो आपको ये समझा सकती है कि रिलायंस की ये जो मूव थी वाकई बहुत जबरदस्त मूव थी या नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप स्टॉक का नाम लिखेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स खुल जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहां जब नीचे जाते हैं तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस हैं, इस पे आप क्लिक कीजिए, 35% की डिलीवरी है दोस्तों। रिलायंस के शेयर में ये बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी है, मतलब 30-35% की, 20-25% की डिलीवरी तो होती रहती है, 35-40% की अगर डिलीवरी कल हुई है तो बहुत लंबी चौड़ी डिलीवरी नहीं मानूंगा। अगर डिलीवरी 50-60% से ऊपर की होती तो मेरे लिए एक बहुत शानदार न्यूज होने वाली थी। ये जो डिलीवरी हुई 35% के आसपास की, ऑफकोर्स डिलीवरी हुई है, अभी पीछे अगर आपने देखा हो तो रिलायंस के जो स्टॉक इन्वेस्टर, रिलायंस के जो अपने फैमिली है, जो इन्वेस्टर्स हैं, अंबानी ग्रुप जो है, उसने अपना प्रमोटर शेयर बढ़ाया था और उसके तुरंत बाद सेबी ने एक गाइडलाइंस जारी की थी कि कोई भी प्रमोटर अब अपनी इक्विटी नहीं बढ़ा सकता, पर रिलायंस को वो फेवर मिल चुका था, वो अपनी इक्विटी परचेज कर चुके थे। वो इसलिए परचेज कर चुके थे शायद क्योंकि ये डील होनी थी जियो के बीच में और फेसबुक के बीच में, तो ऑफकोर्स रिलायंस फैमिली इससे कैसे चूक सकती। उन्होंने बड़ी समझदारी का कदम उठाया कि जैसे ही उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाई उसके बाद सेबी ने एक रोक लगाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, बट दोनों न्यूज एक साथ आई और एकदम मौके पे आई, उसका रिजल्ट कुछ दिनों के बाद हमें देखने को मिला, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर देखते किस भाव पे चल रहा था। हमें चार्ट पे चलते हैं, ये 1240 के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। अगर एग्जैक्टली अगर देखें क्लोजिंग तो थोड़ा कैमरा साइड कर लेते हैं दोस्तों, ये 1250 के आसपास की क्लोजिंग थी, 1250 के आसपास की, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हमारी हुई है। अब समझने वाली बात है, इस वॉल्यूम को पहले सबसे देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जबरदस्त वॉल्यूम हुई, ये वॉल्यूम हुई, लोगों के सामने न्यूज आई, लोगों ने खरीदारी की, भर के खरीदारी की। अब हमारा 5A13 का जो क्रॉसओवर था वो हमें 21 तारीख को 2:30 बजे ही मिल गया था, जब भाव चल रहा था 1195-1190 के आसपास। दोस्तों अगर आप चैनल पे जाएं, चैनल पे जाके एक वीडियो देखिएगा, ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, बेस्ट स्टॉक्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, इस लॉकडाउन, ये मैंने 3 हफ्ते पहले 31 मार्च को वीडियो बनाया था। यहाँ पे भी रिलायंस जब 1080 के आसपास था तब मैंने आपको कहा था खरीदने के लिए, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि यहाँ से शेयर भाग सकता है, ठीक है। अब इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो वापस क्रॉसओवर, हमें बुलिश क्रॉसओवर, मैं इसको कहूंगा 5-8-13 का बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला, RSI भी फेवर में थी हमारी, ठीक है, RSI ने भी फेवर दिखाया। मैं 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। MACD ने हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दिया, यहाँ से जीरो लाइन से नीचे क्रॉसओवर था तो हम उसको बुलिश क्रॉसओवर लेके चलते हैं। वॉल्यूम बार भी लगातार राइजिंग वॉल्यूम बार थी, मतलब लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब समझने वाली बात है, क्या हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे भी, जो ट्रेडर लोग हैं उस पर भी इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे भी बिल्कुल सेम प्राइस पे ही हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला। तो 15 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट हमें सेम सिग्नल दे रहा था और सेम क्रॉसओवर हमें MACD में भी दिखाई दे रहे थे और वॉल्यूम बार भी हमें पॉजिटिव और ग्रीन दिखाई दे रही थी, लंबी लंबी वॉल्यूम बार दिखाई दे रही थी, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज भी अच्छा था। अब समझने वाली बात है, अब क्या किया जाए, फेसबुक की जियो की डील तो हो गई, अब हमें क्या इस डील में बने रहना है या हमें प्रॉफिट बुक करना है। समझने वाली बात यह है, जो लोग समझदार हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। मैंने अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लिया है, मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया था कि मैं अपनी पोजीशन से पूरा एग्जिट हो चुका हूँ। हालांकि मुझे इस मूव का फायदा नहीं मिला, मैं इस मूव से पहले निकल गया था, क्योंकि रातों रात कौन सी डील क्या होने वाली वो तो आपको हमें नहीं पता था, वो प्रमोटर्स जानते हैं या करने वाले जानते हैं, पर हमारे हिसाब से हम 1080 से लेकर 1220-1240 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था, बहुत शानदार प्रॉफिट था, मैं उसमें खुश हूँ। और मैं इतने, मुझे नहीं लगता कि अगर जियो की फेसबुक की न्यूज हमारे पास होती तो हम इसको और लेके चलते, बट क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई न्यूज थी नहीं, कोई प्रमोटर हमें तो न्यूज देगा नहीं, तो हमने इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया। अब समझते हैं कि अब रिलायंस क्या लगता है डेली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में।
आवरली चार्ट पे अगर देखें बहुत, अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करूं दोस्तों, तो जो 5-8-13 का हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का। बट अभी प्राइस ने एक नया हाई बनाया था 1360 से लेकर 1380 के आसपास का एक नया हाई बनाया था। वहीं पे अगर हम देखने की कोशिश करें, एक टूल ले लेते हैं, हल्का सा लाइन ड्रॉ करते हैं और आरएसआई को ध्यान से देखिए दोस्तों, आरएसआई को ध्यान से अगर देखें तो यहां से स्टॉक तो बढ़ रहा था हमारा, स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था, आवरली चार्ट की बात कर रहा हूं, और आरएसआई ने एक हल्का सा डाइवर्जेंस हमें दे दिया है। अगर हम इस पोर्शन को देखने की कोशिश करें तो यहां पे भी, इस वाले पोर्शन पे भी अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये भी हमारे पास एक डाइवर्जेंस होने की कोशिश हो रही है। एमएसीडी में भी एक जीरो लाइन से ऊपर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस की तैयारी होती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब यहाँ पे बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, बाइंग बिल्कुल कर्व हो गई है। ये आवरली चार्ट का एक सिग्नल है। अगर इसको हम अर्ली सिग्नल की बात करें, देखिए जल्दी सिग्नल किसको मिलेगा, जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने वाले आदमी को जल्दी सिग्नल मिल जाता है। अब यहाँ पे फिर से अगर देखने की कोशिश करें, जहां स्टॉक एक नया हाई बना रहा था, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वहीं लाइन ले लेते हैं, यहां पे आरएसआई ने हमें 15 मिनट पे एक अर्ली सिग्नल दे दिया, वहीं एमएससीडी ने भी एक अपने को सिग्नल दे दिया है कि भैया एक वीकनेस जोन दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम चार्ट जो है वो भी बहुत क्लियरली हमें बोल रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे भी सेलिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर हम इसको लेके चले अपने कैलकुलेटर के ऊपर में कि हमें लेवल्स क्या दिखाई देते हैं, तो लेवल्स अगर मैं लेके चलूं, जो हमें लेवल समझ में आ रहे हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए रिलायंस 1290 के बाद 1365 का एक सेकंड टारगेट था, तीसरा टारगेट था 1492 का, बट उससे पहले स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट था 1364 के आसपास पे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल 1367 के आसपास चल रहा है सुबह से। अगर इस लेवल को रिलायंस तोड़ देता है, अगर इसको प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो 1290 पे एक छोटा सा हर्डल फेस करेगा। 1290 के बाद 1290 से लेकर 1282 के आसपास में एक छोटा सा हर्डल हो सकता है। नेक्स्ट हर्डल होगा 1247 का। 1247 के टूटने के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज की डाउनसाइड की रैली फिर से स्टार्ट हो जाएगी 1180 के आसपास में, और जिसके साथ ही निफ्टी के डाउनफॉल की रैली भी स्टार्ट हो सकती है। अभी निफ्टी को वापस लेने वाला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था मेन स्टॉक। यहां से 1180 अगर होल्ड नहीं होता है तो आने वाले दिनों में 1140 को होल्ड करना होगा रिलायंस को, अगर वापस मूव बनानी है। वो अगर टूटता है तो 1080, 987 and 854 विल बी दी फाइनल आउटब्रेक टारगेट्स फॉर रिलायंस फॉर दिस ईयर। 2020 में अगर वापस से मंदी आती है, अगर कोई और डील नहीं आती है, कोई और पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है 850 रुपए तक के टारगेट इस साल में दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट चीजें लेवल से जाएंगी, लेवल्स के बिना नहीं जाएंगी। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो लेवल्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, ये मेरी अपनी खुद की है, प्लीज अपनी स्टडी खुद करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। बट हाँ, चार्ट सबके लिए सेम रहता है, चार्ट सबके लिए कॉमन है, मेरे लिए भी वैसा ही चार्ट है, आपके लिए भी वैसा ही चार्ट है। यहां दिख रहा है कि 15 मिनट में एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, आवरली चार्ट पे भी स्लाइड डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रही है, एमएसीडी भी हमें सिग्नल दे रहा है कि शायद इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि समझदार लोगों का कहना है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। न्यूज पूरी हो गई दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए, नेक्स्ट मूव का वेट करना चाहिए, बेवजह नहीं सोचना चाहिए कि रिलायंस आज ही 1800 हो जाएगा। रिलायंस अगर 1800 होगा तो उसके लिए लेवल्स क्या दिखते हैं, देखिए दोस्तों 1365 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, 1365 से ऊपर की क्लोजिंग आती है डेली बेसिस पे, और वो अगर एक दो दिन सस्टेन होती है, तो नेक्स्ट टारगेट 1492 और अगला टारगेट 1700 के आसपास का भी हो सकता है। पर उससे पहले, क्योंकि हर चीज, क्योंकि पूरी स्टॉक मार्केट न्यूज ड्रिवन रहती है और न्यूज अभी हमें खत्म होती दिखाई दे रही है, न्यूज आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्वार्टर एंड हुआ, जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ जून में, यहाँ पे चीजें और खराब हो सकती हैं। अभी कोरोना का पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है, कोई कोई न्यूज आ जाती है पॉजिटिव, बट अगर चीजें और खराब हुई, फाइनेंशियल रिजल्ट्स खराब आएंगे ही आएंगे, सेल्स नहीं है, 2 क्वार्टर की सेल्स लोगों के पास नहीं है, अच्छी न्यूज बहुत सारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई भी राइज प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस समय पे, जब अगला आने वाला नंबर आएगा बाजार का, जब अगले दोबारा लेवल बनाएगा बाजार, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होंगी। प्लीज जाइए अपनी वो जो पीवी रेशियो की, अगर आपने डिविडेंड यील्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देखिए, हो सकता है आपको कुछ वहां से हिंट मिले, अपनी एनालिसिस करते रहिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे ज्यादा सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा अगर आप किसी और सेक्शन पे वीडियो चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस आपके लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।